हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुनिशा और आप सभी देख रहे हैं आर्ट कॉकटेल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो आज फिर एक फेस्टिवल रिलेटेड ही वीडियो है। फेस्टिवल के सीजन्स चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, जैसे कि मैं हर फेस्टिवल के रिलेट एक वीडियो बनाती हूँ। तो अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं रेजिन के साथ ही एक आर्टवर्क करूँगी जो कि वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा, जो कि मेरी दिवाली में और भी ज़्यादा चार चांद लगा देगा और मेरी दिवाली के डेकोरेशन की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अभी मैं बनाऊँगी एक कैंडल होल्डर, जो कि मैं बनाऊँगी इस मोल्ड में। देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मोल्ड है ये। तो ये मोल्ड है एक लोटस फ्लावर का, जिसके अंदर मैं अपने दिया या कैंडल को या फिर टी लाइट को रखने के लिए एक जगह है यहाँ पे, जिसमें कि मैं अपना दिया कैंडल या टी लाइट रखूँगी। और ये जो रेजिन का जो स्कल्पचर है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि ये लोटस फ्लावर के शेप में है। चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे इसे फिल करेंगे। देख सकते हैं ये नॉर्मल मोल्ड जैसा नहीं है, जैसे कि सभी मोल्ड्स होते हैं वैसा ये नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सभी मोल्ड्स से। तो देखते हैं इसमें हम कैसा आर्टवर्क बनाएंगे और कैसा पीस ये बन के आएगा और कितना खूबसूरत लगेगा ये। चलिए आइए अब स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे इस दिया होल्डर को। चलिए आइए अपनी वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो पर एक लाइक और एक कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए अपनी वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2:1 रेजिन ले लिया है। तो अभी मैं दो कलर्स लूँगी, जिसमें कि एक में मैं अपना सिल्वर फ्लेक्स डालती हूँ या गोल्ड फ्लेक्स डालूँगी, और दूसरे में मैं पर्ल पिगमेंट डालूँगी। ये मैंने पर्पल कलर लिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने पर्पल कलर यूज़ नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये लोटस फ्लावर पर्पल कलर में बनाऊँ। पहले मैं अपने रेजिन को की एक पार्ट को एक कंटेनर में ले लूँगी और फिर इसमें मैं अपना गोल्ड फॉइल ऐड करूँगी। अभी हम लेते हैं रेजिन 2:1 में और उसके साथ अब स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रोजेक्ट, जिसमें कि मैं एक पार्ट रेजिन का लेती हूँ और उसमें मैं सिल्वर फ्लेक्स मिला रही हूँ, और दूसरा पार्ट एक ग्लास में लेती हूँ और उसमें मैं पर्पल कलर मिक्स करूँगी। ये रेजिन पिगमेंट है, जैसे कि मैंने 2:1 रेजिन में मिक्स किया है। जो रेजिन मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरा रेगुलर रेजिन, वही रेजिन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। दोनों को मिक्स करने के बाद मैं अपना मोल्ड लूँगी, और मोल्ड में इससे फिल करना थोड़ा चैलेंजिंग है। देख सकते हैं किस तरीके से मैं प्रेस करके इसके उसे ओपन कर रही हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसमें अपना रेजिन फिल कर रही हूँ। इसी तरीके से हम अपना रेजिन इसके अंदर चारों तरफ से फिल करेंगे। इस तरीके से सभी तरफ से मैं अपना रेजिन फिल करूंगी। उसके बाद मैं अपना सेकंड कलर लूंगी, जो कि पर्पल कलर है। इससे भी मैं पोर करूंगी अपनी मोल्ड में। अब देख सकते हैं धीरे धीरे पोर करना है हमें। पोरिंग बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ करना है, क्योंकि इसका जो ओपन स्पेस है ना, वो काफ़ी कम है। तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रेजिन लीक ना हो या फिर स्पिल ना हो। इसी तरीके से धीरे धीरे हम अपने मोल्ड को फिल कर लेंगे। इसे कम्प्लीटली फिल करना है हमें, ताकि रेजिन ऊपर तक आ जाए और लेवल एकदम से बराबर हो। इसमें हम हॉट गन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ओपन स्पेस नहीं है जिधर से हम अपना हॉट गन यूज़ कर सके। तो थोड़े बबल्स होने की संभावना है इसमें। देखते हैं, अभी मैंने कम्प्लीटली फिल कर दिया है, देख सकते हैं। अभी मैंने इसे ओवरनाइट क्योर होने के लिए छोड़ा था। अभी देखेंगे, इसे मैं डिमोल्ड करूँगी और डिमोल्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। देख सकते हैं डिमोल्डिंग थोड़ा सा टफ है इसका, क्योंकि ये मोल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा मोल्ड है। देखिए डिमोल्डिंग, देखिए जब हमने गोल्ड फ्लेक्स डाला था, वो हमने पहले डाला था, फर्स्ट लेयर हमारा गोल्ड सिल्वर फ्लेक्स का था, लेकिन जब हम इसे डिमोल्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि हमारा सिल्वर फ्लेक्स जो है वो ऊपर के लेयर में आ गया है और पर्पल कलर नीचे चला गया है। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी तो डिमोल्ड होने के बाद इसका कंप्लीट लुक पता लगेगा कि ये कैसा लग रहा है। थोड़ा चैलेंजिंग है इसे डिमोल्ड करना,
डर भी लग रहा है कहीं मोल्ड ना खराब हो जाए या फिर कहीं हमारा ये प्रोजेक्ट ना खराब हो जाए। देख सकते हैं काफी खूबसूरत सा लोटस फ्लावर बन के बाहर आया है, बहुत ही खूबसूरत है ये। देख सकते हैं इसमें अगर हम दिया डालेंगे तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से मैंने एक और ग्रीन कलर एंड सिल्वर स्पार्कल के साथ में भी बनाया है, इसे भी मैं आपके सामने डिमोल्ड करूंगी और इसका भी कंप्लीट लुक, प्रोसीजर सेम है बस कलर चेंज है, इसे भी मैं डिमोल्ड करके आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। देख सकते हैं ये देखने में काफी ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं ये भी काफी खूबसूरत बन के आया है। हमारे दोनों लोटस दिया का जो कंप्लीट लुक है काफी ज्यादा ही खूबसूरत है। देख सकते हैं इसमें जब हम कैंडल्स डालेंगे तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। देख सकते हैं कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।